आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CTTMP क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, उसमें कौन से प्रोडक्ट यूज किए जा सकते हैं और कैसे यूज किए जा सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो CTTMP है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CTTMP एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि हमें डेली बेसिस पे करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी स्किन को अगर हेल्दी रखना चाहते हो तो CTTMP जो है वो हमेशा ही करें। मेकअप चाहे छोड़ दें लेकिन CTTMP कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, डलनेस से रिकवर करने में हेल्प करता है, डैमेजेस को रिकवर करता है और प्रोटेक्शन देने में भी काफ़ी हेल्प करता है। हम बात करेंगे CTTMP की फुल फॉर्म क्या है। सी की फुल फॉर्म है क्लींजिंग, टी मींस टॉनिंग, पी मींस ट्रीटमेंट, एम मींस मॉइस्चराइजिंग, टी मींस प्रोटेक्शन। ये है इसकी फुल फॉर्म CTTMP, मींस क्लींजिंग टॉनिंग ट्रीटमेंट मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लोका की रेंज में ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिससे CTTMP कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लींजिंग के लिए इसमें दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे पहले है मोरक्कन क्लींजर और सेकेंड नीम। वैसे तो आप मोरक्कन क्लींजर ही यूज करें, ये ऑल स्किन टाइप है, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली है तो आप नीम फेस वॉश यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉनिंग। टॉनिंग के लिए श्लोका की रेंज में अवेलेबल है 3-in-1 टोनर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए श्लोका की रेंज में 5 तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। सबसे पहला रेजुवेनेटिंग क्रीम, सेकेंड एंटी एजिंग क्रीम, थर्ड अंडर आई क्रीम, फोर्थ व्हाइटनिंग क्रीम एंड फिफ्थ फेयरनेस क्रीम। ट्रीटमेंट में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ट्रीटमेंट जो दी जाती है फेस को, वो वाले प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। मीन्स कि जैसे आपके अगर डार्क सर्कल हैं या फिर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेज हैं, उसके लिए इसमें प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। ये सबसे पहला है रेजुवेनेटिंग क्रीम। इसमें क्या होगा कि जो आपके रिंकल्स पड़ते हैं, अगर टाइम से पहले आपके रिंकल्स पड़ने शुरू हो चुके हैं तो आप यूज करेंगे रेजुवेनेटिंग क्रीम। अगर आपके रिंकल पड़ चुके हैं तो उसके लिए एंटी एजिंग क्रीम। अगर आपके डार्क सर्कल हैं उसके लिए है अंडर आई क्रीम। एंड अगर आपके ब्लेमिशेज हैं या दाग धब्बे हैं किसी भी तरह के फेस पे तो उसके लिए है व्हाइटनिंग क्रीम। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो फेयर हो तो उसके लिए है फेयरनेस क्रीम। नेक्स्ट है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए इसमें श्लोका की रेंज में 3 तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। पहला है अपाया मॉइस्चराइजर, सेकेंड है हाइड्रा नरिशिंग क्रीम एंड थर्ड है बॉडी बटर क्रीम। मॉइस्चराइजिंग के लिए ये जो 3 प्रोडक्ट अवेलेबल है, सबसे पहला है पपाया मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी नॉर्मल स्किन है उसके लिए है पपाया मॉइस्चराइजर। ये जो मॉइस्चराइजर है वाटर बेस्ड है, बहुत ही इजीली आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने मॉइस्चराइजर यूज किया हुआ है। चाहे आपकी ऑयली स्किन है चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन है, फिर भी आपको मॉइस्चराइजर जो है वो यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर जो है वो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में काफी हेल्पफुल होता है। सो सेकंड है हाइड्रा नरिशिंग क्रीम एंड थर्ड है बॉडी बटर क्रीम। ये जो दोनों क्रीमें हैं ये ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है उसके लिए भी ये बॉडी बटर और हाइड्रा नरिशिंग क्रीम बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में श्लोका की रेंज में सन क्रीम 2 तरह की अवेलेबल है, SPF 30++++ एंड सेकेंड SPF 50++++।
ये दो तरह की सन क्रीम अवेलेबल है श्लोका के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्लोका की रेंज में से कौन से प्रोडक्ट किस पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनको यूज कैसे करें। सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए हम यूज करेंगे श्लोका मोरक्कन क्लींजर। तो मेरी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं मोरक्कन क्लींजर की जगह पे श्लोका फेस वॉश यूज करती हूँ, जो कि नीम फेस वॉश है। सेकेंड स्टेप है टोनर। टोनर के लिए हम यूज करेंगे श्लोका का 3-in-1 टोनर। इसको ओपन करने का तरीका है, यहाँ पे प्रेस करें और ये ओपन हो जाएगा। और आप इस तरीके से कॉटन थोड़ा सा लेके उस पर कुछ ड्रॉप्स लेके इसको टैप टैप करें। थर्ड स्टेप है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हमारे पास 5 तरह के प्रोडक्ट श्लोका रेंज में अवेलेबल हैं। अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं उसके लिए ये है अंडर आई क्रीम। जैसे कि मेरे डार्क सर्कल ही है तो मैं सिर्फ अंडर आई क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा हमारे पास अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेज हैं फेस पे कहीं पे भी, तो आप वाइटनिंग क्रीम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइटनिंग क्रीम। और अगर आपके एजिंग्स जो है वो हो चुकी है, मीन्स की जो झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, उसके लिए आपके लिए है एंटी एजिंग क्रीम। और अगर आप चाहते हैं कि टाइम से पहले हमारे एजिंग्स ना हो, तो उसके लिए है रेजुविनेटिंग क्रीम। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस जो है वो फेयर हो, तो उसके लिए है फेयरनेस क्रीम। फोर्थ स्टेप है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए श्लोका की रेंज में है पपाया मॉइस्चराइजर। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, मीन्स की बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर सीजन में, तो उसके लिए आप श्लोका की रेंज की बॉडी बटर या फिर हाइड्रा नरिशिंग क्रीम यूज कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में श्लोका की रेंज में सन क्रीम अवेलेबल है। ये सन क्रीम है SPF 30++++ और इसी में 50++++ भी अवेलेबल है। अभी हमारा CTTMP जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CTTMP जो है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम जब भी बाहर जाते हैं तो अपनी बॉडी को कपड़ों से ढक के जाते हैं, लेकिन फेस हमारा एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको हम कभी भी ढक के बाहर नहीं जाते, जिस वजह से हमारा जो फेस की स्किन है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सन की वजह से, डस्ट की वजह से या पोल्यूशन की वजह से और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से हमारी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है। इसी चीज़ को रिकवर करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हमें CTTMP जो है वो करना बहुत ज़रूरी है, वो भी डेली बेसिस पर।